Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to read the third chapter of Movements, class 9 English supplementary book, and the chapter is named as Eeswaran the Storyteller and its writer is R.K. Lakshman. Okay, तो दे स्टोरी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है कन्वीनियंस के लिए, तो इस पार्ट में हम इसका फर्स्ट हाफ कवर करेंगे. तो इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तो है महेंद्र जो एक सुपरवाइजर है और एक उसका कुक है जिसका नाम है ईश्वरन. तो ईश्वरन क्या है, एक स्टोरी टेलर, जैसे कि आपके चैप्टर के टाइटल में ही दे रखा है ईश्वरन द स्टोरी टेलर. तो ईश्वरन एक ऐसा स्टोरी टेलर है जो किसी भी टॉपिक के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी अपने आप ही बना लिया करता है. तो ये स्टोरी एक टाइप की नरेशन है. तो ये जो चैप्टर है इसमें जो स्टोरी दी गई है ये नरेशन है जो महेंद्र ईश्वरन के बारे में किसी थर्ड पर्सन जो है गणेश उसको सुना रहा है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ ए डार्क क्लाउडी फॉर्म. तो एक रात जो है महेंद्र अपनी नींद से जाग गया और उसने डार्क क्लाउडी फॉर्म यानी एक काले से रंग की, ब्लैक से कलर की, क्लाउडी सी फॉर्म, कोई छाया टाइप की, तो उसने देखी. ही ब्रोक आउट इन टू ए कोल्ड स्वेट. तो उसको डर गया वो उसे क्लाउडी फॉर्म को, उस ब्लैक फॉर्म को देखते ही, और वो पसीने में नहा गया. वॉज इट ए घोस्ट. तो क्या ये भूत था, मतलब महेंद्र ने क्या आधी रात को या जब वो अपनी नींद से जागा तो उसने क्या उसने भूत देखा. तो चलिए देखते हैं. द स्टोरी वॉज नैरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्र बाई द नेम. तो ये जो स्टोरी है एक यंग मैन यानी महेंद्र द्वारा एक गणेश नाम के किसी थर्ड पर्सन को ये स्टोरी सुनाई गई. ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्री, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन. तो ये जो महेंद्र है ये कौन था, महेंद्र जो है जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में. सुपरवाइजर वो होते हैं जो कहीं पे कुछ काम हो रहा है तो उस पर नजर रखते हैं, यानी वन ऐसा व्यक्ति जो हु सुपरवाइजर या हु ऑब्जर्व द थिंग्स. तो वो जूनियर सुपरवाइजर था, तो उसका क्या काम था, एक फर्म, वो फर्म का क्या काम था, वो फर्म जो है सुपरवाइजर्स को हायर कराती थी, ऑफर देती थी कि जिसको भी सुपरवाइजर हायर करने हो तो वो उस फर्म से कॉन्टेक्ट कर सकते थे. तो जो महेंद्र की जो फर्म का काम था कि वो डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रक्शन साइट जैसे कि फैक्ट्री, ब्रिजेस, डैम्स, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो वहां पे वो सुपरवाइजर हायर करवाती थी. महेंद्र जॉब्स वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. महेंद्र का क्या काम था, महेंद्र का काम था वर्क साइट पर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन पर उसको ध्यान रखना होता था. कीप एन आई ऑन उनका मतलब है किसी चीज पर नजर रखना. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफिस. और वो क्या करता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता रहता था हर समय, एवरी नाउ एंड देन, देन एज ऑर्डर्ड बाय हेड ऑफिस, जैसे कि उसके हेड ऑफिस का ऑर्डर हुआ करता था. जैसे फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे बेस कंस्ट्रक्शन साइट. कोल माइनिंग एरिया मीन्स एरिया वेयर द कोल इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्राउंड बाय डिगिंग, मतलब जहां से जमीन में से हम कोल को रिमूव कर किया जाता है, जमीन को खोद कर, यानी आप ये कह सकते हैं कोयले की खदान कह सकते हैं आप इसको. तो कोयले कोल माइनिंग एरिया से रेलवे बेस कंस्ट्रक्शन साइट तक कभी उसको जाना होता था. कभी फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. और यहाँ से कुछ महीने बाद उसे एक केमिकल प्लांट की तरफ जाना होता था. तो उसका काम यह था कि एक कंस्ट्रक्शन साइट से या एक वर्क साइट से दूसरी वर्क साइट की तरफ उसको हर समय उसको ट्रेवल करना पड़ता था. ही वॉज बैचलर यानी ही वॉज अनमैरिड. ठीक है, हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस. तो महेंद्र की जो नीड्स यानी जो जरूरत थी बहुत सिंपल थी, यानी बहुत सिंपल व्यक्ति था, उसको बहुत ज्यादा उसकी जरूरतें नहीं थी. एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, और किसी भी तरह की ऑड कंडीशंस के साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया करता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और ए मेकशिफ्ट कैनवस स्टैंड इन द मिडिल ऑफ हिज इंक्वायरी.
चाहे वो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, यानी ऐसा सर्किट हाउस जो इल इक्विप्ड हो। इल इक्विप्ड का मीन्स विदाउट फैसिलिटीज और इक्विपमेंट, यानी जहां पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज ना हो या फैसिलिटीज हो ही ना। या मेक शिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी। मेक शिफ्ट का मतलब टेम्परेरी अरेंजमेंट, यानी और स्टोन क्वेरी, क्वेरी का मीन्स होता है एन एरिया दैट इज डग आउट टू गेट सैंड स्टोन और मिनरल। यानी वही जैसे कि हमने पीछे बोला था कोल माइनिंग एरिया, ऐसे ही ये स्टोन क्वेरी है जहां से एरिया जिसको डग आउट किया जाता है सैंड या स्टोन या मिनरल्स निकालने के लिए। तो उसकी जो जरूरतें थी वो बहुत सिंपल थी और अपने आप को कैसी भी ऑड कंडीशंस के साथ में एडजस्ट कर लिया करता था, चाहे वो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो या टेम्परेरी कैनवस टेंट लगा हुआ हो कहीं पे, वो भी स्टोन क्वेरी में। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज बुक ईश्वर। लेकिन एक ही एसेट थी, यानी एक ही प्रॉपर्टी उसके पास ऐसी थी, यानी एक ही प्रीशियस थिंग उसके पास ऐसी थी जो उसका कुक था, और उस कुक का नाम क्या था? ईश्वर। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वाज पोस्टेड। और ये जो कुक था ईश्वरन, इसको महेंद्र से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज्यादा लगाव था इसके साथ, और जहां भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वहां इसके साथ ये रहता था, वो भी अनकम्प्लेनिंगली, यानी किसी भी सर्कमस्टांसेस में महेंद्र के साथ रह लिया करता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। तो क्या करता था, महेंद्र के लिए कुकिंग करता था, महेंद्र के लिए कपड़े वॉश करता था, और अपने मास्टर यानी महेंद्र के साथ रात को उसके साथ चैट किया करता था, बातें किया करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। एनेक्डोट मीन्स शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट। तो वो एंडलेस स्टोरी अपने आप बना लिया करता था, या एनेक्डोट्स बना लिया था, यानी शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में, और वेरियस सब्जेक्ट्स पर, यानी किसी भी सब्जेक्ट्स पर वो अपने आप ही एंडलेस स्टोरीज एनेक्डोट्स अपने आप ही बना लिया करता था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप्स विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। तो ईश्वरन में अमेजिंग कैपेसिटी थी क्या, कि वो वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, यानी किसी भी डिश को कुक करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी सामान उसको चाहिए होता था वो प्रोड्यूस कर लिया करता था सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, मतलब ये किसी को भी नहीं पता लगता था ये। और इन द मिडिल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप, डेसोलेट मीन्स एम्प्टी, लोन, डेजर्टेड या बैरन, यानी कोई भी खाली जगह हो, कोई भी सुनसान सा एरिया हो। लैंडस्केप एन एरिया अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज, यानी शहरों से बहुत दूर कोई एरिया होता है तो उसको लैंडस्केप कहते हैं, और जहां पे मीलों तक कोई शॉप भी नजर नहीं आती थी, ऐसी जगह पर पता नहीं कहाँ से ईश्वरन में कैसी कैपेसिटी थी कि वेजिटेबल और कुकिंग इंग्रेडिएंट पता नहीं वो कहाँ से प्रोड्यूस कर लिया करता था। ही वुड मिरेकुलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल्स विद एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। ही वुड मिरेकुलसली, मिरेकुलसली मीन सरप्राइजिंगली, डिफिकल्ट टू बिलीव, ठीक है, यानी हैरानी हो जाती है, सरप्राइजिंगली यानी विश्वास न जिस पे किया जा सके। एंड कंजर हु मेक समथिंग अपियर बाई मैजिक, यानी किसी भी चीज को बाई मैजिक बना लेना या प्रोड्यूस कर लेना। तो वो क्या करता था, मोस्ट डिलीशियस डिशेज, ठीक है, वो मिरेकुलसली यानी बड़ी सरप्राइजिंगली बना लिया करता था, शायद शायद बाई मैजिक, जो फ्रेश वेजिटेबल से बनी हुई होती थी विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। जिंक शीट शेल्टर मीन टेम्परेरी प्लेस टू लिव विद द रूफ मेड अप ऑफ मेटेलिक शीट्स, यानी ऐसा टेम्परेरी प्लेस जिसकी जो रूफ है वो मेटेलिक शीट से बना दी गई हो, क्योंकि नए वर्क प्लेस पे शायद कभी रहने को जगह नहीं मिलती थी तो वो टेंट हाउस भी बना लिया करते थे। तो ऐसा शेल्टर जहाँ पे जिसकी रूफ जो है मेटेलिक शीट्स की बनी हुई हो उसको जिंक शीट शेल्टर कहते हैं। तो उस ईश्वरन में कैसी कैपेसिटी थी कि किसी भी नए वर्क प्लेस पे जब भी महेंद्र कहीं जाता तो वहां पे जिंक शीट शेल्टर पे पहुंचने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो फ्रेश वेजिटेबल से मोस्ट डिलीशियस डिशेस जो है मिरेकुलसली बना लिया करता था। यानी शायद उसके पास कोई ऐसा मैजिक था, पता नहीं वो कहाँ से जो है फ्रेश वेजिटेबल से डिशेस बना लिया करता था, वो भी 1 घंटे के अंदर।
Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Mahendra जो है सुबह उठ जाया करता था जल्दी और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम पर निकल निकल जाया करता था और अपने साथ कुछ प्रिपेयर्ड फूड ले जाया करता था. Meanwhile, Isharan would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath. ठीक है, इस बीच में क्या करता था, जब महेंद्र चला जाता ब्रेकफास्ट के बाद अपने काम पर, तो इस बीच में ईश्वरन करता सारी शेड जो है जहां पर वो रह रहे होते थे, वो जो शेड होती थी उसकी सफाई कर दिया करता था, कपड़े धो देता था, एंड लेजरली बाथ, अपना जो है नहाना है वो कर लिया करता था. पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, यानी कितनी जो है, सेवरल का मीन्स मैनी, जो है कई बाल्टियां जो है पानी की अपने सिर के ऊपर डालकर जो है अच्छी तरह से बांध लिया करता था. मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, हर समय एक प्रेयर जो है वो गुनगुनाता रहता था. मटरिंग का मतलब है विस्परिंग, या आप गुनगुनाना कह सकते हैं. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, इतना काम करते करते लंच टाइम हो जाता. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, डोजिंग ऑफ टू फॉल एस्लीप एस्पेशली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी दिन के समय में थोड़े समय के लिए सो जाना, दैट इज डोजिंग ऑफ. तो आफ्टर ईटिंग, खाना वगैरह खाने के बाद वह थोड़ी देर तक कुछ पढ़ता, बिफोर डोजिंग ऑफ यानी थोड़ी देर सोने से पहले, और खाना खाने के बाद यानी लंच के बाद वो थोड़ी देर कुछ अपना पढ़ा करता था. द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल तमिल थ्रिलर रनिंग फॉर 200 pages. और जब वो पढ़ा करता था कोई ऐसी बुक जो किसी पॉपुलर पॉपुलर तमिल थ्रिलर हुआ करती थी. थ्रिलर का मतलब है कोई सस्पेंस वाली स्टोरीज, ठीक है, रिलेटेड टू सस्पेंस. रनिंग टू 100 pages, यानी जिसमें सैकड़ों पेज हुआ करते थे. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिश वुड होल्ड ईश्वर इन थ्रॉल. थ्रॉल का मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग इन समवंस पावर. तो उसके जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन हुआ करते थे, यानी उसमें जो बुक में जो होते थे इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, यानी इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन को कह सकते हैं काल्पनिक वर्णन, और जो नरेशन वो दिया करता था वो वुड होल्ड ईश्वर इन थ्रॉल. जो बुक में ये सब दिया करता था इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन और नैरेटिव जो है, उसकी वजह से तो ईश्वरन है वो उसको बहुत मतलब हिंथ्रॉल उसको बहुत अच्छे लगते थे ये तमिल थ्रिलर बुक्स उसको पढ़ना. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके जो अपने आप के जो descriptions होते थे उन पर एक तमिल authors का बड़ा ही effect था जिनको वो पढ़ा करता था. यानी जो भी narration से descriptions वो बनाया लिया करता था अपने आप, वो सब तमिल authors से जो है inspired होते थे. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprising ending into the account. Suspense means mental uncertainty, feeling of excitement of worry. तो जब वो छोटी से छोटी इंसिडेंट को भी नरेट करता था ईश्वरन जब छोटी से छोटी इंसिडेंट को भी नरेट करता था, तो वो काम जो वो नरेशन वो सस्पेंस में दिया करता था हमेशा, ठीक है, और उसके जो स्टोरीज होती थी उसकी जो एंडिंग होती थी हमेशा सरप्राइजिंग होती थी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. तो जैसे बजाय ये कहने के, मान लीजिए उसने हाईवे पर कोई अप्रूटेड ट्री देखा, ठीक है, अप्रूटेड ट्री यानी जो अपनी जड़ों से निकल गया हो, कोई हाईवे पर उसने अप्रूटेड ट्री पड़ा हुआ देखा, तो वो क्या कहता था, विद आईब्रो सुटेबली आर्च्ड, अपनी आईब्रोज को आर्च करके यानी ऊपर की तरफ करके आर्च की शेप में करके, और हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्टर, और जो हाथों को बड़े ड्रामेटिक जेस्टर में घुमा के बोलता था द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. तो वो सीधे सीधे ये नहीं बताएगा कि हाईवे पर एक अप्रूटेड ट्री देखा मैंने, तो वो जो है क्या इसकी एक्टिंग करके बताएगा, और हैंड्स को बड़े ड्रामेटिक जेस्टर में घुमाते हुए और आईब्रोज को ऊपर करके बताएगा कि द रोड वॉज डेजर्टेड, कि रोड जो है बिल्कुल डेजर्टेड थी, अलोन थी, सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और सुनसान रोड पर मैं बिल्कुल अकेला था. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. Sprawled means awkwardly or disorderly. तो वो कहेगा कि अचानक से मैंने क्या देखा, मैंने देखा एक bushy beast, यानी beast का मतलब होता है animal या कोई भी creature,
तो मैंने एक बहुत बड़ा बुशी बीस्ट देखा, यानी बुशी का आप कह सकते हो, बुशी का मतलब होता है वैसे झाड़ीदार, यानी कोई बहुत बड़ा सा उसने एनिमल देखा लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो सड़क पर डिसऑर्डरली पड़ा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मैं थोड़ा सा मुड़ा, इंक्लाइन का मतलब है थोड़ा सा घूम जाना, तो मैं थोड़ा सा मुड़ा एंड गो बैक और वापस आने के लिए, बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट। लेकिन ईश्वरन क्या कहता है कि जैसे ही मैं उसके पास गया, मैंने देखा, अरे ये तो गिरा हुआ पेड़ था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी जो ड्राई ब्रांचेस हैं, जो ब्रांचेस जो है सूख चुकी हैं, वो सारी तरफ फैली हुई हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली। और महेंद्र क्या करता, महेंद्र जो है कैनवस चेयर पे आराम से अपने आप को फैला के बैठा हुआ होता, और जो है ईश्वरन की जो स्टोरीज हैं अनक्रिटिकली बिना किसी कंप्लेन किए आराम से सुनता रहता। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर ईश्वरन वुड बिगिन, टिम्बर मीन्स लार्ज पीस ऑफ वुड, तो ईश्वरन अब शुरू हो जाता। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, कि जिस जगह को मैं बिलोंग करता हूँ, जिस जगह से मैं आया हूँ, वो टिम्बर के लिए फेमस है। देयर इज ए रिचली वुडेस्ट फॉरेस्ट ऑल अराउंड, यहाँ पर हर तरफ जो है वुडेड फॉरेस्ट ही है। द लॉक्स वर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, लॉक्स मीन्स थिक पीस ऑफ ट्री ट्रंक और ब्रांच, एंड हॉल्ड टू पुल समथिंग विदाउट ए लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी। तो जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पर जो लॉक्स होते हैं, जो यानी जो ट्रीज के जो ट्रंक होते हैं, जो लॉक्स होते हैं, वो एलिफेंट जो है लोड करते हैं लॉरीज पर। दे आर ह्यूज वेल फैट बीस्ट, अब एलिफेंट क्या है, ह्यूज का मतलब है वेरी बिग, जो एलिफेंट्स हैं वो वेल फैट बीस्ट हैं, बहुत बड़े, यानी अच्छी तरह से खिलाए पिलाए, या वेल फैट का मतलब है जो अच्छे तरीके से खिलाए पिलाए एनिमल्स होते हैं एलिफेंट। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, तो ईश्वरन कहता है कि जब एलिफेंट वाइल्ड हो जाते हैं, तो मोस्ट एक्सपीरियंस महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। महावत होता है जो एलिफेंट्स का रख रखाव करते हैं या उनकी राइडिंग करवाते हैं, उनको कहते हैं महावत, ठीक है, जो उनको कंट्रोल करते हैं। तो वो कहता है कि जब एलिफेंट्स जो है वाइल्ड हो जाते हैं, यानी नाराज हो जाते हैं, तो वाइल्ड हो जाते हैं, तो मोस्ट एक्सपीरियंस महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग इन एलिफेंट। आफ्टर दिस प्रोलॉग, प्रोलॉग का मीन्स इंट्रोडक्शन टू ए प्ले। अब इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद ईश्वरन क्या करता है, ईश्वरन एक एलाबोरेट एनेक्डोट, एनेक्डोट हमने आपको पीछे बताया शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो एक एनेक्डोटिक स्टोरी बना लेता जिसमें एनिफेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था। वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगिन टू रोम अबाउट, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टियरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। अब वो स्टोरी बनाता है, ईश्वरन जो एक स्टोरी बनाता है, वो क्या कहता है, वन डे ए टस्कर, टस्कर का मीन्स ए मेल एलिफेंट विद टू नॉर्मली डेवलप्ड टस्क, यानी लॉन्ग पॉइंटेड टीथ। आपने देखे होंगे ना, जो एलिफेंट का जो ट्रंक होता है, उसके ये एलिफेंट का ट्रंक है, इसके आसपास जो दो टीथ निकले हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड टस्क, ठीक है। तो एक मेल एलिफेंट जिसके दो नॉर्मल डेवलप्ड जो है पॉइंटेड टीथ होते हैं, उनको कहते हैं टस्क। तो वो कहता है टस्कर, यानी एक एलिफेंट जो है टिम्बर यार्ड से निकल कर भाग गया एंड बिगेन टू रोम अबाउट एंड इधर उधर घूमने लगा, और कैसे, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, स्टैम्पिंग मींस टू पुट योर फीट डाउन वेरी हैवीली और नोइजली, और जो बुशेस थी यानी जो झाड़ियां थी उन पर अपने पैर पटकता हुआ, टियरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, वाइल्ड क्रीपर्स को तोड़ता हुआ, क्रीपर्स मीन ए प्लांट दैट ग्रोज अप अलोंग द ग्राउंड और वॉल्स, ठीक है, जो दीवार के सहारे पर या ग्राउंड के अलोंग जो है फैल जाते हैं, ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को क्रीपर कहते हैं। तो वाइल्ड क्रीपर्स को तोड़ता हुआ एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस दैट विल, और ब्रांचेस को तोड़ता हुआ, यानी टस्कर जो है टिम्बर यार्ड से निकल कर भाग गया और इधर उधर घूम रहा था, जो बुशेस को स्टैम्प कर रहा था, बुशेस पर पैर पटक रहा था, क्रीपर्स और ब्रांचेस को जो है तोड़ रहा था। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड,
तो ईश्वरन कहता है माइंड जी से, आप जानते हैं सर एक एलिफेंट किस तरह से बिहेव करता है जब ये मैड हो जाता है, यानी जब ये वाइल्ड हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और ईश्वरन अपनी ही ओन स्टोरी के एक्साइटमेंट में इतना खो जाता कि वो जैसे एलिफेंट को अभी उसने डिस्क्राइब किया ना, इसी तरह से कि वो फ्लोर से अपने फर्श से कमरे के जो फ्लोर होता है उससे हर उठ जाता एंड जंप अबाउट, इधर उधर जंप करता रहता, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन। एमुलेशन मीन टू कॉपी समवंस बिहेवियर ऑफ द मैड एलिफेंट, और मैड एलिफेंट की नकल करता हुआ अपने पैर इधर उधर पटकता हुआ जंपिंग करता रहता। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन। आउटस्कर्ट्स मीन आउटर एज ऑफ टाउन। तो ईश्वरन कहता है कि जो हाथी है टिम्बर यार्ड से निकलकर चला गया, तो वो हमारे टाउन की आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी बाहरी किनारे की तरफ यानी टाउन से बाहर जो है चला गया। ब्रेकिंग द फेंसेज डाउन लाइक मैच स्टिक्स ही वुड कंटिन्यू। तो वो कंटिन्यू करता कि जो उसने क्या किया, जो एलिफेंट था उसने फेंसेज को तोड़ दिया मैच स्टिक्स की तरह, ठीक है। इट केम इन टू द मेन रोड, और वो मेन रोड पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लोथ। स्मैश्ड मीन टू ब्रेक समथिंग, और उसे जो सारी स्टॉल जो फ्रूट सेल कर रही थी, मड पॉट्स और क्लोथ की जो स्टॉल थी उसने वो सब स्मैश कर दी, यानी वो सब कुछ उसने तोड़ दिया। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर एक फ्रेज है दैट मीन्स क्विकली एंड इन ऑल डायरेक्शन। अब जो लोग हैं डर की वजह से इधर उधर दौड़ने लगे। एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब एलिफेंट पहुंचा यहाँ से कि स्कूल के ग्राउंड में जहाँ बच्चे खेल रहे थे, और उसने क्या किया, एलिफेंट ने स्कूल की जो ब्रिक वॉल थी वो तोड़कर और स्कूल के ग्राउंड में एंटर कर लिया जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रेन टू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट। और सभी बच्चे क्लासरूम्स में दौड़ पड़े और अपने क्लासरूम के डोर को टाइटली बंद कर लिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया कि जो एलिफेंट है वो उनके स्कूल ग्राउंड में आ गया था। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टियरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ड फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स। अब इस बीस्ट ने यानी एलिफेंट ने क्या किया, ग्रंटेड। ग्रंटेड मीन टू मेक ए शॉर्ट लो साउंड इन द थ्रोट, यानी जो एलिफेंट की जो साउंड है दैट इज कॉल्ड ग्रंटेड। और उसने आवाज निकालता हुआ इधर उधर घूमने लगा, और उसने क्या किया, फुटबॉल गोल पोस्ट को भी खींच लिया यानी अपनी जगह से निकाल दिया, वॉलीबॉल नेट को फाड़ दिया, और जो पानी के लिए बाहर बच्चों के लिए ड्रम रखा हुआ था उसको किक मार के उसको फ्लैट कर दिया बिल्कुल। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और वहां जो पेड़ लगे हुए थे जो श्रब्स लगी हुई थी उनको अपरूट कर दिया यानी जड़ से उनको निकाल दिया। मीन भाई ऑल द टीचर्स दे ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। और इस बीच टीचर्स ने क्या किया, सभी टीचर्स द स्कूल बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रिडेशंस ऑफ द एलिफेंट। डेप्रिडेशन मीन अटैक्स विच आर मेड अप विच आर मेड टू डिस्ट्रॉय समथिंग। तो सभी टीचर्स थे वो स्कूल बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़ गए, जहां से वो हेल्पलेसली यानी अपने आप को वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे एलिफेंट के आगे। और जो एलिफेंट ये सब जो नुकसान कर रहा था, ये सब जो चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा था, उनको हेल्पलेसली देख रहे थे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब वो वहां स्कूल ग्राउंड पर एक सोल भी नहीं थी। सोल का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन बींग से, यानी एक ह्यूमन बींग भी वहां पे, यानी कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, यानी कोई भी स्टाफ मेंबर, वो भी वहां पे कोई ग्राउंड पर नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड। और वहां जो आसपास की जो गलियां थी वो बिल्कुल खाली हो गई थी, इस तरह से खाली हो गई थी मान लीजिए कि पूरे शहर में कोई इनहेबिटेंट यानी कोई रहता ही नहीं था। हैड सडनली डिसअपीयर्ड यानी इस टाउन में जो रहने वाले लोग थे वो अचानक से कहीं गायब हो गए हो। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। अब ईश्वरन क्या बताता है, ईश्वरन कहता है आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, कि मैं उस समय उसी स्कूल जूनियर क्लास में पढ़ रहा था, और इस पूरे ड्रामा को जो एलिफेंट जो पूरा ड्रामा कर रहा था उसको मैं रूफ टॉप से देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली,
तो ईश्वर ने कहा था, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ, आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रेन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। आई ग्रैब्ड ए केन, ग्रैब्ड का मतलब है छीन लेना, ठीक है। तो मैंने एक टीचर्स के हाथों से एक केन, जो है यानी आप केन का मतलब है बांस की कोई डंडी है, कोई छड़ी है, उसको एक टीचर के हाथ से मैंने छीन लिया। रेन डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर से नीचे दौड़ पड़ा एंड इनटू द ओपन ओपन ग्राउंड में मैं आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मीनेसिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ट्री विच इट हेल्ड इन द इन इट्स ट्रंक। मीनेसिंगली मीन्स इन ए थ्रेटनिंग मैनर। तो जो एलिफेंट है वो अपनी आवाजें निकाल रहा था, ग्रंट कर रहा था, और उसने क्या किया, एक थ्रेटनिंग मैनर में बड़े ही डरावने तरीके से एक ब्रांच ऑफ ट्री उसने हिलाई जो उसकी ट्रंक में उसने पकड़ी हुई थी। यानी एलिफेंट की जो ट्रंक होती है उसके उसमें एक ब्रांच ऑफ ट्री उसने पकड़ी हुई थी और उसने बड़े ही टेरिफिंग तरीके से उसको हिलाया। इट स्टैम्प्स इट्स फीट किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। और वो अपने पैर पटकने लगा जमीन पर और बहुत सारी मड और डस्ट उसने स्टैम्प कर करके जो जमीन से जो है फर्श से या ग्राउंड से उसको किक किया। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बड़ा ही डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड। लेकिन ईश्वरन कहता है मैं धीरे धीरे एलिफेंट की तरफ बढ़ने लगा और अपने हाथों में स्टिक को लेकर लेकर। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप। हिप्नोटाइज का मीन्स होता है टू कंप्लीट इन्फ्लुएंस समवन, यानी हिंदी में कह सकते हैं सम्मोहित हो जाना। जो लोग आसपास की हाउस टॉप्स पे थे उस समय खड़े हुए, वो इस पूरे सीन को बड़े हिप्नोटाइज होकर, बड़े सम्मोहित होकर इस पूरे सीन को देख रहे थे।